सो गाइस, आप जो ये आशीर्वाद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के यहाँ पे कभी हुआ करता था यानी कि बॉलीवुड के हमारे पहले सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना काका जी का घर हुआ करता था, यानी बंगलो, बहुत ही शानदार बंगलो हुआ करता था, जो कि अब एक बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। सो गाइस, यहीं पे रहा करते थे हमारे राजेश खन्ना जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन एक्टर यानी सबसे पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना जी का घर। उनका घर कहाँ पे था पहला, कहाँ पे उनका बंगला हुआ करता था, वो आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। सो गाइस, ये ब्लॉग में आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ राजेश खन्ना का पहले कहाँ पे हुआ करता था बंगलो। मैं आपको ये ब्लॉग में पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ और पूरा एड्रेस बताने वाला हूँ कि वहाँ पे अभी उनका बंगला है कि नहीं है और वहाँ पे अभी क्या है, बिल्डिंग है या फिर बंगलो है। तो आपको पूरा डिटेल्स देने वाला है ये वीडियो में, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको चलिए आज दिखाता हूँ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना जी का घर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं राजेश खन्ना जी का घर। तो गाइस, ये जो आप मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो आलिशान, ये बिल्डिंग जहाँ पे बना हुआ है यहीं पे हुआ करता था पहले आशीर्वाद बंगलो, जो कि जहाँ पे रहा करते हमारे काका यानी बॉलीवुड के काका कहे जाने वाले यानी पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना जी। तो आप देख सकते हो ये बिल्डिंग अभी यहाँ पे बन चुका है, पहले यहाँ पे हुआ करता था बंगलो जो कि आशीर्वाद नाम था उसका, वहाँ पे ही रहा करते थे राजेश खन्ना जी। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ ये बिल्डिंग के कुछ नज़ारे। सो गाइस, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो यहाँ पे अभी भी नाम लिखा हुआ है आशीर्वाद ही, नाम नहीं चेंज किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत आलिशान बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसे बेच दिया गया है कोई एक बड़े बिजनेसमैन को, जो कि इनकी एक लास्ट निशानी थी राजेश खन्ना जी की। इसे किसी बड़े बिजनेसमैन को बेच दिया गया है, तो बिजनेसमैन ने ये बंगलों के ऊपर ही ये बिल्डिंग तैयार किया है और इसके सामने आप देख सकते हो पार्क है, ये पार्क है और पार्क के बाहर आप देखोगे तो समुद्र है। और ये इसके एड्रेस की बात करें तो ये कार्टर रोड पे स्थित है। कार्टर रोड के लिए आप जैसे टर्न मारते हो पेरी क्रॉस रोड से, तो आपको कुछ ही 5 मिनट के चलने के बाद ही ये आपको आशीर्वाद बंगलो जहाँ पे बिल्डिंग अभी बन गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, मुंबई के इसी बंगलो में यानी आशीर्वाद जो बंगला हुआ करता था राजेश खन्ना जी का, वो मुंबई में इसी बंगले में ज़्यादातर रहा करते थे और वो इसी बंगले में बहुत सारे समय अपने बिताए, लास्ट के समय तक वो इसी बंगले में थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजेश खन्ना जी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, जो कि एक डायरेक्शन भी किए, लिखे भी बहुत सारे मूवी और उन्होंने एक अपना बहुत ही अच्छा अभिनय करके एक सुप्रसिद्ध सुपरस्टार बने। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो यही इसी बंगले में रहा करते थे और मैं आपको बता दूं ये बंगला उनका लास्ट निशानी था जहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताए थे। आपको बता दूं कि इनकी वाइफ का नाम है डिंपल कबाड़िया। डिंपल कबाड़िया भी एक बॉलीवुड की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री में से एक हैं, जो कि अभी तक बॉलीवुड में एक्टिव हैं। और आपको बता दूं कि ट्विंकल खन्ना जो हैं अक्षय कुमार की वाइफ, वो भी हैं राजेश खन्ना की बेटी। तो ये रहा राजेश खन्ना का घर।